हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में मैं कवर करने वाली हूँ स्कैन लाइन पॉलीगॉन फिल एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल एल्गोरिथम है। आगे और भी हम एल्गोरिथम देखेंगे इससे रिलेटेड, पॉलीगॉन और सर्कल वगैरह को फिल करने के लिए। ये पॉलीगॉन फिल एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट पहले अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। सपोज़ अपने पास कोई पॉलीगॉन है, कुछ भी हो सकता है, वो ट्राइंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसके पॉलीगॉन क्या होता है, जिसके बहुत सारी एजेस और वर्टाइसेस हों। ठीक है, अब हमें इसमें कलर करना है, इसके जो अंदर के पिक्सल हैं इसमें क्या करना है, कलर करना है। तो अब ये कलर हम कैसे करें कि ये जो बाउंड्री है उसके अंदर ही कलर हो। ठीक है, क्योंकि ये पिक्सल तो अपना ग्रिड होता है, आपको पता है अंदर इस तरीके से। ठीक है, अब ये कोई पॉलीगॉन यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, अब ये पिक्सल जो है, पिक्सल आधा पिक्सल इधर जा रहा है, आधा पिक्सल इधर जा रहा है ना। तो पिक्सल में क्या होगा कि अपन जब कलर करेंगे तो ये थोड़ा सा कलर बाहर भी निकलेगा। तो ये सब इसको एंटीलाइज करना और इसमें कैसे कलर होंगे, ये इन सब के लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्कैन लाइन पॉलीगॉन फिल एल्गोरिथम। ठीक है, चूँकि ये स्कैन लाइन पॉलीगॉन फिल एल्गोरिथम है, इसलिए हमारा जो फिल करने का सिस्टम रहेगा वो स्कैन लाइन के थ्रू रहेगा। मतलब हम स्कैन लाइन के थ्रू ही इसको इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालेंगे। जैसे सपोज़ ये हमारा एक पॉलीगॉन है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी पॉलीगॉन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी कि ये जो मेरी स्कैन लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है, अब इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एजेस के थ्रू, है ना, ये एज का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया। तो सपोज़ इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। ठीक, फिर ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, इसका नाम दे दिया सी और इसका नाम दे दिया डी। तो अब मुझे क्या करना है, फॉर ईच स्कैन लाइन हमें क्या करना है, लोकेट द इंटरसेक्शन ऑफ स्कैन लाइन विथ एजेस वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट द इंटरसेक्शन पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू। ठीक है, सॉर्ट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ द इंटीरियर इंटरसेक्शन पॉइंट्स पेयर वाइज। ठीक है, जैसे अपने को इंटीरियर पेयर क्या मिला, ए से लेके बी, ठीक है, और सी से लेके डी। अब ए से लेके बी तक जितने पिक्सल होंगे और सी से लेके डी तक जितने पिक्सल होंगे, हम उसको स्पेसिफाइड कलर से फिल कर देंगे। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है इसमें, जैसे कि एक डायग्राम में बताती हूँ आपको। जैसे ये अपना पॉलीगॉन है, ठीक है, ये अपनी एक स्कैन लाइन हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक जाने वाली, फिर अपनी ये दूसरी स्कैन लाइन हो गई। ठीक है, इस तरीके से स्कैन लाइन हो गई। ठीक, अब यहाँ तो ये देखिए, ये वाली जो स्कैन लाइन है ए वन ए टू ए थ्री, ए वन जो स्कैन लाइन है इसमें अपन को वर्टेक्स मिल रहे हैं ए बी सी, मतलब ए से लेके बी और बी से लेके सी इंटीरियर पॉइंट, इसमें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आते हैं अपन ए टू वाली स्कैन लाइन पे, ए टू में हमें क्या मिल रहा है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो अब ये जो है एक्स से लेके वाई, ये तो इंटीरियर है, लेकिन वाई से लेके जेड तक जो पॉइंट है वो क्या है, पॉलीगॉन के अंदर का भाग नहीं है।
ठीक है, तो अपन इंटीरियर नहीं कह सकते इसको, तो इसमें हमें फिल नहीं करना है। तो दिक्कत ये आ रही है कि जो हमारा स्कैन लाइन है, स्कैन लाइन के यदि ऊपर वर्टेक्स हमें मिल रहे हैं या स्कैन लाइन पे मिल रहे हैं तो हमें इंटीरियर पॉइंट करेक्ट मिल जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे स्कैन लाइन के नीचे वर्टेक्स कोई आता है या स्कैन लाइन से रिपीटेशन होता है वर्टेक्स का कि हम उसको एक्स वाई लें फिर वाई जेड लें, तो इसमें हमें दिक्कत आती है। तो इस समय आपको क्या करना है, इससे मैं आपको एक रूल फॉलो करना है। ये डायग्राम मैंने शीट पे दूसरी बना लिया है, आप इसको फिर से क्लियर करते हैं अपन। क्या प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो A1 स्कैन लाइन है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं तो ये ए से लेके बी तक का जो पार्ट है वो तो इंटीरियर है, पॉलीगॉन के अंदर है। A1 में दूसरा पॉइंट क्या मिला हमें, बी से लेके सी तक, ठीक है। बी को अपन दोबारा काउंट कर रहे हैं, बी को दोबारा लिस्ट में लेंगे, बी से लेके सी तक ये भी इंटीरियर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आ रही है दूसरी स्कैन लाइन में, A2, A2 में ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है एक्स से लेके वाई तक, ठीक है, तो एक्स से लेके वाई तक तो इंटीरियर है लेकिन वाई से लेके जेड तक ये देखिए आप, ये इंटीरियर क्षेत्र नहीं है अपना, पॉलीगॉन के अंतर्गत नहीं आ रहा है, इसे अपन इसको फिल नहीं करना है। तो वाई को हम दोबारा काउंट करें या ना करें ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वाई जेड जो है वो इंटीरियर नहीं है, अब हम कैसे बताएं कि हम वाई को नहीं लेंगे, इसमें तो हमने बी को दोबारा ले लिया लेकिन इसमें हम वाई को एक ही बार ले रहे हैं, तो इसके लिए एक रूल है, इसके लिए इस जो सॉल्यूशन होता है उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। मेक अ क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ट्रवर्सल ऑन एजेस, ठीक है, और फिर हम चेक करेंगे। क्या चेक करना है हमें, चेक लगाना है वाई पे, इफ वाई इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड इफ डायरेक्शन ऑफ एजेस इज चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ इस चेंजेस वी हैव टू काउंट डबल द इंटरसेक्शन पॉइंट अदरवाइज देर इज सिंगल इंटरसेक्शन। अब देखें अपन डायग्राम, हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, है ना, क्लॉकवाइज जाएंगे, ये यहाँ से हमने क्लॉकवाइज शुरू किया, ठीक है, ये पॉइंट से यहाँ गए, ठीक, यहाँ पे गए, यहाँ पे देखिए आप वाई एक्सिस मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे अपन पास इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ठीक है, चूंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है इसलिए इसी को एक बार लेंगे, ठीक, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज़ हुआ और फिर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ और डायरेक्शन अपनी चेंज हुई, तो हमें क्या करना है, बी को दोबारा काउंट करना है, इसलिए ये ए बी और बी सी दोबारा काउंट हुआ। अब यहाँ पे देखिए आप ऐसे ही अपन यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ से फिर यहाँ गए, ठीक है, यहाँ पे तो एक ही बार काउंट होगा, यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाले वाई को देखें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार काउंट हो रहा था, बी और सी अंदर मिल रहा था, इसमें दिक्कत आ रही थी। अब अपन देखें वाई को अपन एक्स वाई वाई जेड पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, तो वाई जो मिल रहा है अपन को वो क्या मिल रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीज में डिक्रीजमेंट में मिल रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुआ है। यदि डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो हमें क्या करना है, देयर इज सिंगल इंटरसेक्शन, मतलब वाई को हम एक ही बार पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन एक्स और वाई,
वाई जेड नहीं लेंगे, ठीक है, और फिर ये जेड और डब्ल्यू, इस तरीके से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर वर्टेक्स जो है उसे दो बार लिया जाएगा या नहीं। इससे आपको जो आपका पॉलीगॉन का इंटीरियर पार्ट है जिसे आपको फिल करना है, ये आपको जानने में आसानी रहेगी, ठीक है। इस तरीके से ये जाना जाता है। तो इसके अंदर जो भी पिक्सल आएंगे, फिर एक्स वाई और जेड फ्रेम बफर में जो भी आपने फिल कलर की डेफिनेशन स्टोर करके रखी होगी, जो कलर आपको फिल करना होगा, ये सारे इस के अंदर वाले स्पान में फिल हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया है, स्कैन लाइन फिल का एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे की फिल का एल्गोरिथम मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूँगी। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूरी से लाइक करें, और अधिक ग्राफिक्स में वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।